बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में कई वीडियोस आ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है और उन जानकारियों को लोग वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर पहुंचा रहे हैं। और ये जानकारी जब जितनी आम हो रही है, जितने लोगों तक पहुंच रही है, मुश्किलें सरकार की बढ़ रही है। ध्रुव राज जी, एक वीडियो आया इसको लेकर सवाल ये उठने लगे थे कि क्या इतनी भयानक स्थिति है। हालांकि इस तरह के कंटेंट पर, इस तरह के टॉपिक पर इससे पहले कई पत्रकार लगातार इस पर खबरें भी कर रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के मामले में, ग्राफिकल कंटेंट के मामले में और उन तमाम चीजों को एक तरह से अच्छे तरीके से, अच्छी स्क्रिप्टिंग के जरिए सामने लाने की बात ध्रुव राठी के जरिए हुई और वो कीर्तिमान एक तरह से उस वीडियो का बन गया। बहुत अच्छी रीच हुई और बड़ी तादाद में लोगों तक वो पहुंचा, जिसपे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की और ये बताया कि कैसे भारत में लोकतंत्र नहीं, अब तानाशाही है और तानाशाही की तरफ देश बढ़ गया है। उनमें कई चीजों को उन्होंने जोड़ा। अब एक और वीडियो आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जिसको उन्होंने देश का सबसे बड़ा स्कैम बताया और कई स्कैम, कई घोटालों को इसके साथ जोड़ा कि सिर्फ ये एक घोटाला नहीं है बल्कि कई घोटाले इसमें शामिल है, ये पूरा स्कैम है। हालांकि इस तरह की बात, इस तरह का कंटेंट तमाम जो पत्रकार हैं, खासतौर पे वो जो एक तरह से अल्टरनेट मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, वो लिख भी रहे हैं अलग अलग पोर्टल्स के जरिए और वो वीडियोस के जरिए बता भी रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी की एक फैन फॉलोइंग है और प्रेजेंटेशन का तरीका, जिस तरह से ग्राफिक्स होते हैं वो समझाने का तरीका, उसको लेकर एक और वीडियो आया है जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को कनेक्ट किया है कि किस तरह से ये चंदा लिया जाता है। हालांकि ये चीजें बोलता हिंदुस्तान पर भी आप जाकर देखेंगे तो तमाम हमने कई वीडियोज इस बारे में किए हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कॉरपोरेट से आया पॉलिटिकल पार्टीज तक, पॉलिटिकल पार्टीज में बीजेपी को कैसे फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी इस स्थिति में थी कि उन कॉर्पोरेट्स को उस पैसे के एवज में कोई फायदा दे सके। ध्रुव राठी ने भी जिस बात का जिक्र किया और जिसको लेकर बीजेपी सबसे आक्रामक है और गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान जो एक टीवी चैनल पे आज तक के कॉन्क्लेव में था, जिसमें राहुल कंवल एंकर थे, जिसमें कहा था कि 20,000 करोड़ रुपया था जिसमें हमें तो सिर्फ 6,000 मिले, बाकी 14,000 कहाँ गए। लेकिन राहुल कंवल उस वक्त ये काउंटर नहीं कर पाए, ये बता नहीं पाए कि जो डाटा है, जो जानकारी है, वो सिर्फ 12,000 करोड़ की है, जिसमें से 6,000 करोड़ आपके पास है, बाकी जो आप एक्स्ट्रा पैसा बता रहे हैं ये वो या तो SBI छुपा रही है या आप गलत बयान कर रहे हैं, ये काउंटर वो वहां नहीं कर पाए। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने इसी बात का जिक्र किया है कि देखिए 12,000 में से 6,000 बीजेपी के, लगभग 50% चंदा आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी जब ये तर्क देती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आपको चंदा नहीं मिला, आप सरकार में हैं, आप ताकत में हैं, आप पावर में हैं, इसलिए आपको चंदा दिया गया। क्योंकि उस चंदे को की क्रोनोलॉजी को अगर हम समझें, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, कब बॉन्ड खरीदे, कब कैश हुआ, इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई कंपनीज ने इस तरह से चंदा दिया है कि उसको कोई ठेका मिला, पहले उसने बॉन्ड लिए, बॉन्ड दिए कई हजार करोड़ के, उसके बाद उसे कई हजार करोड़ का कोई ठेका, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोई टनल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोई पावर प्रोजेक्ट मिल गया, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। और कई कंपनीज ने इस तरह से भी किया है कि उसके यहाँ ईडी या CBI इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, उसके फौरन बाद उसने इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड खरीदे और इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड उसने सबमिट किए, उसके बाद वो कार्रवाई कहाँ पहुंची, वो छापेमारी में सबूत कहाँ पहुंचे, इसको आप अगर खोजेंगे तो वो तमाम चीजें रुकी हुई सी नजर आएंगे। आप जब ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी छापेमारी हो रही है, कई हजार करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, कैश पकड़ा गया, 3 दिन तक गिनती हो रही है, वो पैसा कहाँ गया, उस एक खबर के बाद वो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, उस पैसे को कहां ले जाया गया, किस तरह से कार्रवाई हुई, कोई खबर आपके पास नहीं आती, क्योंकि सीधा सीधा एक बहुत बड़ा स्कैम है कि जब आप खबर दिखाएंगे कि इतने हजार करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया, 5 दिन तक गिनती हुई और उस उद्योगपति ने उठा के इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड खरीद लिए, आपको पैसा दे दिया, उसके बाद वो खबर दब गई, वो खबर कहां गई किसी को नहीं पता। दूसरी बात, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरह से चंदा उगाही हुई है वो फायदा सिर्फ सत्ता ही दे सकती है, क्योंकि अगर बीजेपी ये कहती है कि भाई 14,000 करोड़ तो दूसरी पार्टियों को भी मिला, लेकिन दूसरी पार्टियों को चंदा मिलना और बीजेपी को चंदा मिलने में फर्क था। चंदा लेना कोई गुनाह नहीं है, आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोविजन है इनकम टैक्स में कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो चंदा है वो इनकम नहीं है, उस चंदे पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, बावजूद इसके कांग्रेस पर इनकम टैक्स
कि रेड हो रही है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं 30 साल पुराने मामले में, और उनका पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। वो 2 रुपए नहीं निकाल पा रही है कांग्रेस पार्टी, ना उसके नेता कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, ना प्रचार के लिए वो पैसा दे सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह इनकम टैक्स ने उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। एक नहीं, लगभग 10 अकाउंट्स कांग्रेस पार्टी के फ्रीज कर दिए गए, और उसमें 200 करोड़ रुपए हैं। उन तमाम पैसे को इनकम टैक्स ने अपने कब्जे में ले रखा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज पर इनकम टैक्स बनता ही नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, आप इनकम टैक्स कैसे उससे मांग सकते हैं, तो फिर यह कार्रवाई बीजेपी पर क्यों नहीं होती है? इनकम टैक्स की वो कार्रवाई जो हुई है कांग्रेस के ऊपर, उसमें 10,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना बनता ही नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टीज पे होता नहीं, ये तमाम काउंटर हैं। और इन चीजों को समझना होगा कि कैसे विपक्ष को मिलने वाले चंदे और सत्ता में बैठी पार्टी को मिलने वाले चंदे में फर्क है। ये भी तमाम आरोप है, ध्रुव राठी ने इसका भी जिक्र किया है कि कैसे एक्सटॉर्शन का ये पूरा स्कैम है। एक तरफ तमाम एजेंसीज पहुंचती हैं इनकम टैक्स की, घर वालों के फोन जब्त कर लिए जाते हैं, लॉक कर दिया जाता है, और ब्रेकिंग चल जाती है कि देखिए फलां नेता के फलां ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। ये दबाव बनता है कि देखिए हम जिस कार्रवाई के लिए आए हैं वो हम करके रहेंगे, आप गिरफ्त में आ जाएंगे, आप जेल जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, अगर इससे बचना है तो लाइए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के लाइए। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी तरह के मीम्स हैं, ईडी सीबीआई पहुंची और कि बस आप निकालिए अपने कागजात, हम छापेमारी के लिए आए हैं, आप पर बहुत करप्शन के आरोप हैं। वो कागज निकालता है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिखा देता है, उसके बाद ईडी सीबीआई वहां से चली जाती है। अरे वो कहता है कि आपके तो सबूत बहुत पक्के हैं, आपके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या एक स्कैम है? और इस स्कैम का जिक्र ध्रुव राठी ने अपने वीडियोज के जरिए किया और बताया कि कैसे जनता का पैसा कॉर्पोरेट्स को दिया गया। कॉर्पोरेट्स को कैसे दिया गया? उनके लोन माफ किए गए, हजारों करोड़ के लोन उन्हें दे दिए गए, तमाम पब्लिक बैंक से उन्हें लोन दिलवाया गया, और उस बैंक को तो वो जो लोन कॉर्पोरेट्स नहीं दे पाए उसको एक तरह से माफ कर दिया गया। माफ करने के बाद वो पैसा उन कॉर्पोरेट्स के पास रहा। अब वो कॉर्पोरेट्स जिनके ऊपर करप्शन के आरोप है, जिनके ऊपर लोन न देने के आरोप है, जो बैंक्रप्सी में इन्वॉल्व है, वो जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, और खासतौर पर बीजेपी को दे रहे हैं। अब जब बीजेपी को दे रहे हैं तो बीजेपी उस पूरे चंदे को कैसे दबा रही है, उनके लोन को कैसे माफ कर रही है? और फिर ये लोन माफी ऐसी नहीं आराम से नहीं हो रही है कि 3,000 करोड़ का लोन है, 2,000 करोड़ का लोन है, माफ हो जा रहा है, हवा में माफ नहीं हो रहा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टीज में शिफ्ट हो जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी में शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये आरोप संगीन है, और इन आरोपों पर जिस तरह से तमाम पड़ताल हो रही है, और देखिए किस तरह से एसबीआई ने तमाम सबूत छुपाने की कोशिश की। पहले कहा कि हमें वक्त चाहिए, जून तक हम देंगे, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो फिर एक हफ्ते के अंदर तमाम चीजें आ गई। फिर भी उन्होंने वो अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल नंबर छुपा लिए गए जिसके जरिए मिलान हो सकता था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर लताड़ लगाई तो फिर अब कहा गया कि अब दे दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजों को छुपाने दबाने की कोशिश, उसके बाद इतने बड़े स्कैम को कैसे छुपाया जाए, इसकी कोशिश लगातार सरकार करती रही, लेकिन ये जो चीज निकल कर आई है ये स्कैम से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कई घोटालों का भी घोटाला है और इसमें कई घोटाले शामिल हैं। हर बार एक नई चीज, इसको जब एनालाइज किया जाता है तो हर चीज निकल कर आती है। बहरहाल ये ध्रुव राठी का नया वीडियो है जिसको लोग आगे भी बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम जानकारियां पब्लिक डोमेन में है। जितना जो पढ़ेगा, जितना जो समझेगा, वो जानकारी और बेहतर ढंग से उस तक पहुंचती रहेगी। बोलता है हिंदुस्तान के साथ भी जुड़े रहिए, हम तमाम इस तरह से जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।